फाइनली हमारी जो NRC 150 है ये निकलना स्टार्ट हो चुकी है, और हमारे यहाँ मल्टीक्रॉप थ्रेसर जो मालवा मल्टीक्रॉप थ्रेसर है ये निकालती है, और ये टोकरी मॉडल है। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके का पैटर्न चलता है कि कुछ इस तरीके से मतलब ढेर लगते हैं और उसके जस्ट साइड से कुछ इस तरीके से नेट बिछाते हैं। नेट के बारे में बात करें तो ये 18x30 या 35 का होगा, उसके बारे में खैर उतना डिटेल में अपने को पता है नहीं। और 2 एकड़ में 1, 2, 3, 4, 5 ढेर, मात्र 5 ढेर लगे। सोयाबीन कैसी निकल रही? बिल्कुल टन टन एकदम भैया। तो हमारे चाचा ने बोल दिया है कि बिल्कुल टन टन सोयाबीन निकल रही है। अभी एक ढेर निकला है, उसके बाद फिर अब यहाँ लगेगी, तो यहाँ से निकलने के बाद फिर ऐसे निकालते हुए और रोड पे उधर निकल जाएंगे। तो ये है क्वालिटी, अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से निकल रही है। और इसमें क्या होता है कि जो कुछ हरी फलियाँ हैं, जैसे अभी जस्ट कुछ अपन ने काटी थी और काटने के बाद कुछ हरी फलियाँ निकली, तो हरी फलियाँ अपन ने कुछ इस तरीके से इसमें अलग निकाल के रख दी। बाकी साइड से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सूखी फलियाँ हैं और कुछ हरी है। तो इस मटेरियल को अपन पहले सुखाएंगे और सुखाने के लास्ट में फिर इसको निकाला जाएगा। मतलब अभी ये पूरा अलग होगा, अलग होने के बाद सूखेगा, उसके बाद फिर निकालेंगे। इसको इसमें मिक्स नहीं करना है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि इसकी क्वालिटी अलग है और ये जो फलियाँ हैं इनकी क्वालिटी अलग रहेगी। और कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ थ्रेसर चलती है, लेडीज़ हो जेंट्स हो सभी मल्टीक्रॉप थ्रेसर जो टोकरी मॉडल है उसको आसानी से चला सकते हैं। और इसमें कितने ही लेबर हो, अगर 4 लेबर हैं तो भी चल जाता है, अगर 10 लेबर हैं तो भी काम चल जाता है कुछ इस तरीके से। अभी जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो कुछ इस तरीके से अभी NRC 150 निकल रही है, अब देखते हैं आगे किस तरीके का इसका प्रोडक्शन आता है और ये इसकी क्वालिटी रही। अभी तक अगर बात करें तो हमारा 50% मटेरियल निकल चुका है, मतलब इधर 3 ढेर पूरे निकल चुके हैं। अब यहाँ से अगर बात करें तो मात्र 2 बचे हैं, तो 2 ढेर के बाद देखते हैं फिर कितना क्या उत्पादन अपने को मिलता है कैलकुलेशन के हिसाब से। और ये जो ट्राली है, ये ट्राली है 10 6 और 10 AC है, 10 फिट AC, 6 फिट AC लंबी है और 2 फिट AC ऊँची है विदाउट टाले के। तो ये जो ट्राली है इसमें हम मटेरियल दिखा देंगे, लगभग इसी प्रकार से सभी फार्मर की यहाँ रहती है। तो हर एक फार्मर ट्राली में कितना मटेरियल ये देख के खुद एक अनुमान लगा के बता सकता है कि इसमें कितनी सोयाबीन होगी। बाकी अभी तो ठीक ठाक मटेरियल निकल रहा है क्योंकि सूखी है अपनी जो 150 से बेहतर तरीके से सूख चुकी है, इसलिए अभी बढ़िया क्वालिटी में मटेरियल भी आ रहा है ऐसा लग रहा है। मतलब इस प्रकार से जो चलना चलता है ये चलता है मक्के की फसल में, लेकिन सोयाबीन की फसल में भी मेरे ख्याल से बहुत शानदार चल रहा है। इसका कारण बस ये है कि फसल बिल्कुल सूखी है और सूखी फसल है तो थ्रेसर का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है, अच्छी तरीके से चल रही है। अभी थ्रेसर को समझ नहीं आ रहा है किधर किधर से दाने फेंकना, अभी थोड़ा सा दाना अभी इधर से भी आ रहा है कुछ इधर से भी, अभी एक ढेर और बाकी है। तो फाइनल जो उत्पादन मिलेगा उसको हम दिखाते हैं आपको। वैसे अगर मिट्टी के बारे में बात करें तो ये है भैया अपनी मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी में पत्थर हैं, थोड़े से कंकड़ हैं, थोड़ी सी ऊँट की पीठ जैसी है ऊँची नीची, और एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए लगभग 4 फीट ऊँचा खेत है दूसरा इस कंडीशन में है। तो कुछ इस तरीके से निकल रहा है, और हमारे यहाँ सिर्फ यही पैटर्न चलता है इसमें, मतलब किसान को ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। सीधा सिस्टम है कि जो लेबर है इस प्रकार से ढेर लगा देते हैं, ढेर लगाने के बाद बढ़िया अपने पास एक नेट लाओ, नेट के ऊपर थ्रेसर खड़ी करो और जस्ट साइड से बैकअप में पीछे ट्राली लगा दो, बस ये सिस्टम चलता है। हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से काम होता है, किसी क्षेत्र में यह होता है कि नीचे बिल्कुल पाल पे पूरी सोयाबीन को इकट्ठा करा जाता है और फिर उसी पे निकाला जाता है। जहाँ थ्रेसर का जो भूसा चाहिए क्वांटिटी में वहाँ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में भूसे से कोई मतलब नहीं है, भूसे वाला कोई काम नहीं है, इसलिए ये सिस्टम चलता है। अब फाइनली देखते हैं उस ढेर में और कितना निकलता है, फिर दिखाते हैं हम आपको। उसके बाद फिर हमारा जो एक और खेत है जिसमें कि हमने एक तो जो तीखे पत्ते वाली वेराइटी जिसमें 4 दाने 5 दाने हैं उसको निकालने वाले हैं, उसके बाद फिर NRC 181 को निकालेंगे। 181 का मात्र हमारे पास लगभग 2 से 2.5 kg सीड था, तो उसको हमने थोड़ा सा एक बात बोलें तो मतलब लापरवाही में सिर्फ सड्डल से लगाया। अगर उसको थोड़ी सी क्वांटिटी में थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अगर
सीड को सही तरीके से लगाते तो थोड़ी सी ज़्यादा जगह में जाता। अब 181 को भी देख लेंगे अपन कि किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस है, बाकी हम बताते हैं आपको कितना क्या उत्पादन मिलता है। 5 मिनट का टाइम लगता है मात्र, अगर आपके पास 2 नेट नहीं हैं, 2 पाल नहीं हैं तो मात्र 1 पाल से काम चला लो। अपने पास वैसे तो 2 हैं लेकिन 1 थोड़ी सी फटी हुई है, इसलिए अपन 1 से ही काम चला रहे हैं अभी। हाँ बस बस, हाँ तुम्हारी फ़ोटो की नहीं आएगी, आई जाओ भैया, वो थ्रेसर वाले भैया से बोल दे लिया। ये साइड से इधर बैक लग जाएगा। अभी चैलेंज थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ से ट्रैक्टर और ट्राली निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं। बस तो ये हमारा फाइनल ढेर है जो कि बिल्कुल निकलने को तैयार है, बस थोड़ा सा और रहा है। इसके निकलने के बाद दिखाते हैं हम आपको फाइनल रिजल्ट कि कितना क्या उत्पादन रहा। उसके साथ में हमेशा हम आपको इस वाले एंड से आपको दिखाते रहते थे कि हमारी NR 650 इस तरीके से लगी है, ऊपर वाला प्लाट इस तरीके से लगा हुआ है। अभी जो तीखे पत्ते में थी एक वैरायटी जो कि नॉन रिलीज थी, उसको भी अपन निकालेंगे तो उसका फाइनल रिजल्ट भी देखेंगे कि किस तरीके से निकलेगी। उसके साथ फिर अपना NR 181 भी है ऊपर। तो NR 150 का ये फाइनल रिजल्ट है, इतना मतलब खाली है पीछे की साइड से। आगे की साइड से बताऊं तो ये जो सफ़ेद बोरियां हैं लगभग 1, 2, 3, 4, 5 इनमें सभी में सोयाबीन है। क्या है कि अपने जो डाल टोपले पुंडे थे ये 20 kg वाले, ये थोड़े से लेट आए थे इसलिए हमने पहले बोरी में भर के और इनको बांध दिया। और ये जो 2 आप पीली बोरियां देख रहे हैं, इनमें एक में सूखी फली है और एक में ये थोड़ी सी गीली फलियाँ निकली थी, ये है। तो ओवरऑल इतना है ये। अब आप कैलकुलेशन करके बता देना कि भाई 2 एकड़ में NR 150 का कितना क्या उत्पादन रहा। मेरे हिसाब से अगर 6 क्विंटल एकड़ से निकला या 7 क्विंटल एकड़ से निकला तो बहुत बढ़िया तरीके से निकला है मिट्टी के हिसाब से। अगर 5 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से अगर निकला तो थोड़ा सा अगर बोलेंगे कि कम निकला है। वैसे तो हम इसको पूरा साफ़ करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, पूरा तोलेंगे, तोलने के बाद फिर पता चलेगा फाइनल कि कितना क्या उत्पादन मिला। और उसके साथ में जो तीखे पत्ते में जो वैरायटी अपनी थी ये अभी निकल रही है, जिसका कि एक ढेर आप देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा है वहाँ पे, बाकी इधर ये NR 181 है, उसका सिर्फ अपने पास इतना ही सीड था। लेकिन ये जो ब्रीडर सीड है और ये वैरायटी इधर निकल रही है, तो इसमें से एक ढेर में से अभी लगभग 50-50 kg की जो बोरियाँ हैं 2 भर चुकी हैं, तीसरी भर आ रही है। उसके बाद इसका भी जो उत्पादन रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे।